कि देखिए कितनी सॉफ्ट है, एक उंगली से टूट जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, काफ़ी सारे मेरे फ्रेंड्स ने मुझे पूछा है कि तुम कॉटनी सॉफ्ट इडली कैसे बनाते हो। तो आज मैंने सोचा, काफ़ी सारे यू नो फ्रेंड्स को पता नहीं है तो मैं अपनी रेसिपी शेयर करूं। तो मैंने ले लिए भीगे हुए चावल, ये है बॉइल्ड राइस। आप देखिए छोटे छोटे और ये मोटे से दाने होते हैं। ये मैंने एक कप ले लिया है और 3 कप उड़द दाल लेना है। उन 3 कप में से 1/4 हिस्सा मैं ये मूंग दाल ले लेती हूँ। मैंने इन सभी को धो के एक ही साथ भिगा के रख दिया था 6 घंटे के लिए। अब मैं इसे मिक्सी में ग्राइंड कर दूंगी, आधा गिलास पानी डालकर, बस ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे और एकदम सॉफ्ट पेस्ट बना देंगे। देखिए ये है मेरा पिसा हुआ आटा, इडली का आटा, जो कि बहुत स्मूथ टेक्सचर है और एकदम गाढ़ा है। मैंने इसमें सिर्फ आधा गिलास पानी मिलाया था आधा मिक्सी के आटे को ग्राइंड करने के लिए, और इसे रात पूरा हम भीगने रख देंगे। नेक्स्ट डे हम इसकी इडली बनाएंगे। इसका प्रोसेस भी मैं आपको आगे बताती हूँ। ये देखिए हमारा इडली बैटर कितना फूला फूला बना है। ऐसा ही रहना चाहिए, तभी हमारे इडली बहुत कॉटनी सॉफ्ट बनेंगे। तो अब मैं इनको मोल्ड्स में डाल दूँगी। मैंने मोल्ड को थोड़ा सा ऑयल लगा के ग्रीस कर दिया है, इसमें इडली बैटर अभी पोर कर दूँगी। अब मैं इनको करने के बाद आपको बताऊंगी कि कितने सॉफ्ट बने हैं। देखिए इडली मोल्ड्स में रख दिया मैंने, अब इसको रख देंगे 1-10 मिनट्स तक लो टू मीडियम फ्लेम पे। ये देखिए हमारे सॉफ्ट स्पंजी इडलीस कितने सॉफ्ट बने हैं। देखिए मैं एक उंगली से अगर तोड़ने की कोशिश करूं तो ये इतने जल्दी से टूट रही है, इतनी सॉफ्ट, इतनी लेयर्ड। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कैसे बनी है मेरी इडली।